अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह की रहमत से ठीक ही होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और अच्छे से अल्लाह पाक ने ईद निकलवा दी जी। बहुत अच्छे से, खैरियत से सब कुछ हो गया। आप सबकी ईद कैसी गई? और बेहतर ही गई होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हम किस टॉपिक पे बात करने वाले थे आज? टॉपिक तो कुछ भी नहीं था, ऐसे ही चुप चैट टाइप की वीडियो हमने सोचा कि आज बनाते हैं हम। बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। मैं शायद किसी वीडियो में मैंने मतलब ठीक से नहीं बनाई, शायद बहुत टाइम हो गया होगा। बीच बीच में मैं डाल देती हूँ थोड़ी मीट। मैंने एक डाली थी उसकी बारिश जब हुई थी, आज भी बारिश हुई, खैर थोड़ी सी अल्लाह ने बरसाया पानी। और एक दो बार मैंने, जब मौसम बहुत अच्छा होता है तो मैं उस पर भी डाल देती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और आप तो प्लांट्स पे डालते हो, आज भी शायद डाली है ना? हाँ, आज भी डाली। तो मैंने शायद कुछ टाइम पहले बोला था कि हम उसके ऊपर थोड़ा सा जो चैट थोड़ी सी बात करेंगे, जैसे जो डिप्रेशन और एंजाइटी को लेके। और क्योंकि बहुत सारे लोग पिछले एक डेढ़ साल से, जब से ये कोरोना कोविड का हुआ है लॉकडाउन में, बहुत सारे लोग शायद डिप्रेस हुए होंगे। बहुत लोगों ने प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, लोगों ने अपनी फैमिलीज़ में, बहुत लोगों ने अपने अपनों को खोया है। बहुत सारे लोग इस पैंडेमिक में चले गए, तो उससे भी लोग स्ट्रेस में आए होंगे, डिप्रेस हुए होंगे। वैसे भी लोग मतलब घर पे रह रह के एंजाइटी और डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं। मेरा गला ख़राब हो गया थोड़ा, तो मैंने सोचा कि चलो इस पे थोड़ा सा हम बातचीत करते हैं। जितना मैंने इस चीज़ को मतलब फेस किया है, तो उसको लेके थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करूँगी। और कुछ बातें जो मैंने इन चीज़ सीखी हैं इस चीज़ से, कि वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग, मैंने बहुत खुद मतलब अपने सराउंडिंग्स भी मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को सुना जो मतलब इस टाइम पे एंजाइटी और डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं, सिर्फ जस्ट इस लॉकडाउन की वजह से। इसमें बहुत सारे, क्योंकि इस लॉकडाउन में लोगों ने अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स फेस करी हैं। एकदम से सब लोग घर पे कैद हो गए, और सबसे बड़ा जो फैमिली में जिन लोगों ने खोया, लोगों के काम पे जो असर पड़ा, जो फाइनेंशली जो लोग जूझ रहे हैं, और भी बहुत सारी होंगी। जिन लोगों को बाहर निकलने की आदत है, जो बाहर जॉब करते हैं, वो एकदम से घर में ही मतलब बंद होके रह गए, तो उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम आई होगी। तो इस चीज़ के चलते हम मतलब थोड़ा सा इस पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा चिट चैट कर लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो क्या क्या कहते हैं कि वो किसी भी चीज़ को शेयर नहीं करते, और मतलब अंदर ही अंदर मतलब किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। ऐसे लोग भी बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब अगर कोई छोटी सी प्रॉब्लम भी होगी तो उसका सॉल्यूशन नहीं तलाश करते, और मतलब उसको बहुत बढ़ा लेते हैं, इस लेवल पे बढ़ा लेते हैं कि उनका दिमाग भी कई बार काम नहीं कर पाता, और वो बहुत कुछ ऐसे गलत डिसीजंस ले लेते हैं जो फिर दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकते। ऐसा मैंने अभी देखा है, एक हादसा हुआ है अभी कुछ किसी के साथ है, कोई दोस्त है क्या? हाँ, तो फिर सुसाइड कर ले, होते हैं कुछ अलग अलग। हाँ, तो मतलब वही तो कि कुछ इस चीज़ को फेस नहीं कर पाते और सुसाइड भी कर लेते हैं, जो कि हमारे मज़हब में तो हराम है, मना ही बिल्कुल। मतलब जो सुसाइड कर लेते हैं उनके लिए दुआ भी नहीं कर सकते हैं। तो अल्लाह हमें ऐसे ऐसे फैसलों से बचाए, ऐसी परेशानियों से बचाए। और एक सबसे बड़ा ये भी है कि हमारे हम लोग शायद मेंटल इलनेस को बहुत ज़्यादा एक वो बना रखा है कि
क्या बोलूँ उसे, स्टिग्मा वगैरह, हाँ स्टिग्मा या टैबू की, मतलब अरे ये मतलब अगर इसको कुछ प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकली तो ये मतलब पागल है या जो भी है, इस वजह से भी बहुत सारे लोग अपनी इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको छुपाते हैं, और छुपाते छुपाते वो चीज़ फिर वो बढ़ जाती है। पहले जब मैं डिप्रेशन से या एंजाइटी से जब मैं जूझ रही थी या मैं जब उससे डील कर रही थी, तो मैं भी यही मेरे साथ भी मेरा भी यही था बिल्कुल कि नहीं अरे मतलब अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी तो साइकियाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास तो ऐसे इन लोग ऐसे डॉक्टर्स के पास तो पागल जाते हैं जिनका दिमाग काम नहीं करता है, इनका दिमाग चल जाता है, या जो बिल्कुल अपने होशो हवास में नहीं होते हैं। मेरा भी यही मानना था, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना किसी चीज़ से फेस, किसी चीज़ के साथ डील करके उसको फेस करके ही हमें उस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है, उस चीज़ का तजुर्बा होता है। तो सबसे पहले तो यही हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में यही सबसे बड़ी एक गलत चीज़ है कि हम लोग जैसे हमारी फिज़िकल हेल्थ होती है, फिज़िकल इलनेस होती है, उसी तरीके से मेंटल इलनेस भी होती है। तो हमें उसका भी उसी तरीके से ध्यान देना चाहिए जैसे हमें अगर कहीं हाथ में, पेट में, पैर में कहीं दर्द होता है तो हम एकदम डॉक्टर को दिखाते हैं भी क्या प्रॉब्लम है। तो हमारे साथ अगर कुछ ऐसी इमोशनली प्रॉब्लम भी चल रही है तो हमें जाहिर सी बात है हमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, कम से कम एक बार तो कंसल्ट कर ही लेना चाहिए। तो लोगों की वजह से भी हम कई बार लोग समझ भी नहीं पाते कि उनको दिक्कत है क्या, ऐसा भी होता होगा क्योंकि परेशानी क्या है जब तक हम खुद समझ ही नहीं पाएंगे तो हम किस डॉक्टर के पास जाएंगे, किसको दिखाएंगे। और क्या बोलो यार, तुम ये बोलो। हाँ ये भी सही बोल रहे हो आप बिल्कुल, कि कई बार लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि हमें हमारे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि तुम्हारा जो पहला विजिट हुआ था वो हुआ था कैसे गई थी मुझे डॉक्टर, मुझे मैं जब मेरे साथ ये ऐसा हुआ था तो मुझे भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने बोला था, हड्डी वाले डॉक्टर ने शायद, कि आप एक बार किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए क्योंकि आप स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा हैं, आप डिप्रेस हैं। तो मैंने उस डॉक्टर से पूछा था, फिर मैंने उसी हॉस्पिटल में ही दिखाया था कि नहीं मतलब इस डॉक्टर के, मैं कोई पागल थोड़ी ना हूँ या मैं मुझे कुछ ऐसी वो प्रॉब्लम थोड़ी है मेंटली कि मैं उस डॉक्टर के पास क्यों जाऊँ। तो उस डॉक्टर ने भी मुझे कहा था कि हम लोग भी जब स्ट्रेस में हो जाते हैं, हमें एंग्जाइटी होती है, हम लोग भी दिखाते हैं, और मतलब तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, ऐसा नहीं है। तो शायद मैं और मुझे सिर्फ उसी डॉक्टर ने नहीं कहा था, मुझे 2-3 डॉक्टर ने कहा था कि नहीं आप एक बार फिर भी आप एक बार कंसल्ट कर लीजिए, दिखा दीजिए क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। ये भी रीज़न होता है कि चीज़ें मतलब ठीक क्यों नहीं हो पा रही हैं। तो बहुत सारे 2-3 डॉक्टर ने मुझे कहा था, तब जाकर मैंने मतलब दिखाया था। और जब प्रॉब्लम हमारी बढ़ जाती है तब पहले कंसल्ट करना ही पड़ता है मतलब साइकेट्रिस्ट से। अगर प्रॉब्लम हमारी इनिशियल लेवल पे होती है तो साइकोलॉजिस्ट भी हैंडल कर लेती है आपको, बिना मेडिसिन के आप मतलब सेशंस लेके इस चीज़ से बाहर निकल सकते हो। क्योंकि हम, मुझे याद है कि हम उधर डिफेंस कॉलोनी के, हमारी मेरी प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई थी उस टाइम पे, मैं बहुत ज़्यादा डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे कोई कौन सा था, उसने ही मुझे कहा था कि नहीं संजीवनी सोसाइटी थी शायद, वहाँ पे भी जाके हमने कंसल्ट करा था। तो उन्होंने भी पहले बोला था कि अभी हम आपके ऐसे सेशंस नहीं ले सकते, अभी आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा है तो पहले आप साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करो, उसके बाद फिर वो जैसा बोलेंगे उसके बाद फिर आपका सेशन से स्टार्ट होगा। तो इस लॉकडाउन में मैंने मतलब 1-2 लोगों का सुना जो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है, बहुत अपनी पर्सनल लाइफ को लेके बहुत प्रॉब्लम चल रही है, और वो तो मेरे हिसाब से मतलब जितना मैंने इस चीज़ से सीखा है कि अगर आपको थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आप ज़रूर एक बार डॉक्टर से मिलिए। इसमें कोई फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने आसपास जो आपको लगता है कि आपकी बात समझेगा उनसे शेयर करो, हो सकता है वही कुछ सॉल्यूशन निकाल दें आपके इश्यूज का। बिल्कुल हम अंदर ही झेलते 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 वो
दिक्कत हो जाती है, कई बार हम शेयर करते हैं तो उससे भी हमें को काफ़ी रिलीफ मिलता है कि यार चलो दिल से मतलब निकल गया कुछ। और अगर आप पहले वे तो फर्स्ट पहला तो यही स्टेप है कि आप अपने के साथ जो भी आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, समझेगा, आपको समझाएगा, आप उसके साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको ये भी नहीं लग रहा है तो आप सबसे पहले नमाज़, अल्लाह के सिवा आपको कौन समझ सकता है, उसके जब आप नमाज में होते हैं, जब आप सजदे में होते हैं, सारी बात सब कुछ अल्लाह तो दिलों के हाल जानता है, लेकिन सजदे में जो आप रो देते हो या नमाज में जो आप जो वो जो सुकून है वो तो शायद आपको कोई भी नहीं दे सकता, अल्लाह से कहिए। और हाँ, और जो इसके लिए आप अपनी एक डायरी भी बना सकते हैं, उसके लिए आप उसमें लिखिए आप क्या क्या फील कर रहे हैं, उससे भी बहुत स्ट्रेस आउट होते हैं लोग। और स्ट्रेस रिलीफ के लिए मैंने भी कई बार पहले भी बोला है कि अपनी हॉबी ढूंढिए और उस हॉबी पे कंटिन्यू रखिए। गार्डनिंग हो गई, अपना एक रूटीन बनाइए। सबसे पहले एक रूटीन होना बहुत ज़रूरी है, मेरे साथ अभी भी होता है, मैंने एक रूटीन बना रखा है। अगर मेरा रूटीन थोड़े दिन के लिए इधर उधर कुछ हो जाता है तो मेरी ऐसा लगता है मेरा मतलब सारी चीज़ें जैसे एकदम डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो एक रूटीन का होना कि आप सुबह से लेके शाम रात तक अपने पूरे दिन में क्या क्या करते हैं वो ज़रूर आप अपना बनाइए कि क्या चीज़ें आपको आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं उसको पहले लिखिए। जो भी आपका आप शेड्यूल जैसे भी बनाना चाहते हैं वो ज़रूर होना चाहिए। और नमाज की पाबंद वो तो हमारा फ़र्ज है ही, सबसे प्रायोरिटी तो वही है हमारी सबसे ऊपर। और टू डू लिस्ट बना लीजिए जो आपके पेंडिंग काम है। हाँ, क्योंकि कई बार इंसान इससे भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है जब हम अपने टास्क पूरे नहीं कर पाते हैं, जो काम हमें करने होते हैं और वो हम पूरे नहीं कर पाते, तो उससे भी बहुत इरिटेट हो जाते हैं लोग, उससे भी फ्रस्ट्रेशन होता है। तो जो भी आप करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, जो जो काम आपके पेंडिंग पड़े हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने के लिए होती हैं, तो उसको आप कंप्लीट कीजिए। इससे भी आप खुद देखेंगे कि आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, स्ट्रेस कम होगा। हाँ, स्ट्रेस कम होगा। और डॉक्टर के पास जाने से बिल्कुल भी, सेशन लेने से बिल्कुल भी मत घबराइए, लोगों का मत सोचिए, अरे लोग ये सोचेंगे क्या सोचेंगे, कि ये सब चीज़ें मत सोचिए, क्योंकि आपके ऊपर क्या बीत रही है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो सिर्फ आप जानते हैं। तो इसलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, लोगों के डर से या लोग अजीब अलग अलग तरह की बातें बनाएंगे उसके बारे में मत सोचिए। वो सोचते रहेंगे तो फिर तो उसी प्रॉब्लम में अटके ही रहेंगे। सॉल्यूशन ढूंढिए। और आप बताओ, बस फिर करेंगे। और धीरे धीरे जब धीरे धीरे मतलब जब किसी प्रॉब्लम को हम फेस करते हैं तो उसको डील करना भी आ जाता है अपने आप, अल्लाह वो सलाहियत दे देता है हमें कि हमें पता चल जाता है कि हम ये हमें दिक्कत क्यों हो रही है या कैसे ट्रिगर कैसे हो रही है। हाँ, अपने ट्रिगर पॉइंट भी आपको समझ में धीरे धीरे आने लगेंगे कि, और उस चीज़ से फिर आप खुद ब खुद बचने की कोशिश भी करेंगे। तो कुछ भी प्रॉब्लम को लेके आप धीरे धीरे खुद समझ जाएंगे कि ये चीज़ें ऐसी क्यों, इसको मैं कैसे हैंडल करूँ, वो सब चीज़ें खुद ब खुद अपने आप थोड़ा स्मूथ चलने लग जाती हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा किसी भी को वो तो कोई भी बीमारी हो जब शुरुआती दौर पे होती है तो वो हमें तकलीफ देती है, लेकिन धीरे धीरे जब हम उसका इलाज करते हैं, जब हम उसके साथ फेस करते हैं, तो हमें उसके साथ तालमेल बिठाना भी आ जाता है। तो इस चीज़ से बिल्कुल भी घबराइए मत। और एंजाइटी या डिप्रेशन ये कोई बहुत बड़ी कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, इसको वो मत बनाइए, अरे बहुत मतलब बहुत बुरी चीज़ हो गई, मतलब इस टाइप की हो ऐसे वाली ये भी एक नॉर्मल चीज़ है। आजकल बच्चों को भी स्ट्रेस होता है, बच्चों को भी एंजाइटी होती है, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, इसको ये मत सोचिए कि हमारे साथ तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, कैसे हो गया, क्यों हो गया। जो अल्लाह को जो मंजूर होता है वो तो होना ही है। तो अल्लाह से दुआ कीजिए, सबसे पहले अल्लाह से मदद मांगिए और खुद भी कोशिश कीजिए और खुश रहिए। हाँ, और खुश रहिए, अल्लाह इंशाल्लाह सारी प्रॉब्लम, अल्लाह ने बोला है कि कोई सबके दिन एक जैसे नहीं होते हैं। अगर लाइफ में ये तो अल्लाह ने हमें बोला ही है कि ये लाइफ टेस्ट है, तो उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे। बिल्कुल, उसके साथ हमें बस कैसे उसके साथ अपनी लाइफ को टैकल करना है, उन प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है वो हमें सीखना है, और इंशाल्लाह वो भी अल्लाह हमें सिखा ही देता है। अल्लाह ने बोला है कि मैं किसी के ऊपर उसकी वसत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता हूँ।
तो अल्लाह हमारे ऊपर कोई ऐसे बोझ नहीं डालेगा जिसको हम बर्दाश्त ना कर सकें। तो अब आप भी कुछ बोल सकते हैं, मैंने इतनी देर से मैं ही बोल रही हूँ। हाँ, क्योंकि इतने टाइम से तुम्हारी कोई वीडियो नहीं थी, इसलिए तुमने स्टोर करके रखा हुआ था कि मुझे क्या 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 बोलना है। तो और बस ये बात ये ज़रूर है कि आप शेयर करना सीखिए, अंदर ही अंदर उस चीज़ को लेकर मतलब भुगते मत रहिए। किसी के साथ, जिसके भी साथ आपको अच्छा लगता है, आप उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अपनी कोई भी प्रॉब्लम अंदर ही अंदर दबाइए मत, उसका बाहर निकलना, आपकी फीलिंग्स का, आपकी इमोशंस का बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको रोने का मन करता है तो रोना भी बहुत ज़रूरी है, उस टाइम पे रो लीजिए, क्योंकि रोने के बाद आप बहुत हल्का फील करते हैं। तो ये हो गई हमारी स्ट्रेस और एंग्जाइटी की बातें। और अगर आप बहुत सारी दुआएं भी हैं डिप्रेशन को लेके, एंग्जाइटी को लेके भी बहुत सारी दुआएं, अगर आप सर्च करेंगे आजकल तो गूगल पे भी शायद मिल जाती होंगी, दुआएं भी मिल जाएंगी तो आप वो भी पढ़िए अपने ऊपर। और पांचों वक्त की नमाज के पाबंद हो जाइए, कुरान पढ़िए, कुरान को मीनिंग के साथ पढ़िए, तो इससे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। और दुआएं पढ़िए, जो जो सबसे अफजल तो है यही है, चारों कुल पढ़िए, आयतुल कुर्सी पढ़िए, सूरह फातिहा पढ़िए, ये सब पढ़ के अपने ऊपर दम करके पानी पीजिए, आपको बहुत बहुत रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। तो अब हम इस वीडियो का एंड करें जी, या आप कुछ कहना चाहेंगे और कुछ ऐड करना चाहेंगे? जब तुम मेरे को बोलते हो कुछ कहो तो मैं अल्लाह हाफिज़ बोल देता हूँ। नहीं, आप बीच में तो आप ही वीडियो डाल रहे थे ना प्लांट्स। हाँ, तो छोटी मोटी मैं डाल देता हूँ, आज भी दो वीडियोज डाली हैं, पार्ट वन पार्ट टू करके। अच्छा। हाँ, तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमाज पढ़िए और शेयर करिए आपस में, दोस्तों से मिलिए, साइकिलिंग करिए, गार्डनिंग करिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।